दोस्तों, अगर आप वीरेंद्र सहवाग को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथे T20 मुकाबले के लिए वीरेंद्र सहवाग ने किया अपनी टीम का ऐलान और अपनी टीम के लिए कुछ हैरतअंगेज बदलाव किए, जिसे देख सभी के होश उड़ गए। और आखिरकार वीरेंद्र सहवाग ने अपनी प्लेइंग 11 में क्या बदलाव करे हैं, ये तो हम आपको वीडियो बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन सलामी बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम 3 मुकाबले साउथ अफ्रीका से खेल चुकी है, जिसमें भारतीय टीम ने मात्र एक मुकाबला ही यानी कि तीसरा T20 मुकाबला जीता है। और वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले 2 T20 मुकाबले जीत लिए हैं और सीरीज में आगे चल रही है। और अब भारतीय टीम को अपनी T20 सीरीज बचाने के लिए अगला मुकाबला यानी कि चौथा T20 मुकाबला जीतना अनिवार्य है, और ये जीतकर भारतीय टीम सीरीज को बराबरी पर पहुंचा सकती है। और इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम को राजकोट के लिए रवाना होना है, और इस मुकाबले में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम को एक बेहतर प्लेइंग 11 बनानी होगी। और इसी बीच वीरेंद्र सहवाग ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान चौथे मुकाबले के लिए कर दिया है, जिसमें ओपनिंग करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ को दी गई है, जिन्होंने इस सीरीज में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें ईशान किशन इस सीरीज में 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, और वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मुकाबले में अर्धशतक जड़कर अपने फॉर्म में वापसी करी है। और इस मुकाबले के लिए भी भारतीय टीम इसी सलामी जोड़ी के साथ उतरेगी। और वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर पिछले 3 मुकाबलों में बेकार प्रदर्शन करते आए हैं और टीम को कोई जीत दिलाने का योगदान नहीं दे पाए हैं, और जिसके कारण दीपक हुड्डा को उनके IPL में शानदार प्रदर्शन के लिए टीम में मौका दिया जा सकता है। तो वहीं मध्यम क्रम में एक बार फिर से कप्तान ऋषभ पंत और गेम चेंजर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे, जिसमें कप्तान अपनी कप्तानी पारी खेलेंगे। तो वहीं दिनेश कार्तिक अंत में भारतीय टीम को लंबे स्कोर तक पहुंचाने के लिए मदद करेंगे। और इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या, वेंकटेश अय्यर खेलते हुए दिखाई देंगे, जो बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भारतीय टीम को मजबूती प्रदान करेंगे। और इसके अलावा फिरकी गेंदबाजी के रूप में एक यजुवेन चहल खेलते हुए दिखाई देंगे, जो पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीत कर आए हैं और इस मुकाबले में उसी तरीके से शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा तेज गेंदबाज के रूप में भुवनेश्वर कुमार, जो इस सीरीज में अपने अनुभव से शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा हर्षल पटेल, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 4 विकेट हासिल किए हैं। इन दोनों की जोड़ी के द्वारा साउथ अफ्रीका को हराने की प्लानिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ एक और खिलाड़ी उमरान मलिक के रूप में आवेश खान की जगह खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आवेश खान लगातार 3 मुकाबले खेले हैं और फिर भी अपने आप को बेहतर साबित नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण मलिक को मौका दिया जा सकता है। और इसी प्लेइंग 11 के साथ साथ भारतीय टीम सीरीज को बराबरी तक पहुंचाने के लिए खेलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम चौथे मुकाबले में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और भारतीय टीम चौथे T20 मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज को बराबरी पर पहुंचा पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।